मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी घोषणावीर बयानवीर, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बताते हैं, ये किया, वो किया, न जाने क्या क्या किया और क्या क्या करेंगे। बस यही है सवाल, क्या क्या करेंगे कुछ नहीं पता। 100 दिन पूरे होने को आए हैं और जश्न मना रहे हैं। घोषणावीर मुख्यमंत्री ने घोषणा करा, UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून लाया जाएगा, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मगर 2024 की तैयारी है इसलिए इसके ऊपर बातचीत हो गई। माहौल खराब करने की कोशिश में बता दिया कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उनको हटाया जाएगा, एक पर्टिकुलर समुदाय के जो धार्मिक स्थल है वो वाले। अरे सारे ही इलीगल एनक्रोचमेंट हटाए जाने चाहिए, आपके जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, रिश्तेदार नाते सबके, अधिकारियों के, मंत्रियों के, सबके हटाए जाने चाहिए, मगर माहौल खराब करना है। कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर बैठे और उनके साथ खिलवाड़। अधीनस्थ सेवा आयोग के भ्रष्टाचार पर बार बार सवाल मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछली सरकार में हमने देखा संगठन महामंत्री, इनके विधायक महेश नेगी, सुरेश राठौर, सब पर बलात्कार के आरोप, और अब की बार आम महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कारियों पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही ये सरकार। पुलिस कहती है कुछ नहीं पता, उस बेटी और उसकी माँ के साथ जिन 4 लोगों ने अपराध किया और यूपी की तरफ भाग गए उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे। आखिर कब तक चलेगा? और भी कई बेटियों के साथ हो रहे हैं अपराध। एक और बेटी का अपहरण सा करके उसके साथ गैंगरेप हुआ। चाहे आप कुमाऊं में चले जाइए, गढ़वाल में देख लीजिए, हर जगह चोरी डकैती यही सब चल रहा है, मगर हमारे जो मंत्री हैं उनका अपने अधिकारियों के साथ सामंजस्य नहीं, इसलिए ट्रांसफ़र एक्ट में उनको चाहिए बदलाव। अभी देखा रेखा आर्या के साथ क्या क्या हुआ, अब मंत्री जी कह रही हैं सचिन कुर्वे जी सुन नहीं रहे, अपनी मर्जी से कैसे ट्रांसफ़र कर दिया जिसका प्रावधान ट्रांसफ़र एक्ट में है। परंतु देखिए इसके अलावा धर्म संसद यहीं पे करा गया, मगर ये सरकार चुप है क्योंकि माहौल खराब करने में जुटी हुई है। मोदी जी के लिए 2024 में चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का दौर हमने देखा। पर्यटन मंत्री वो दे रहे थे न्योता दुबई में बैठकर, यहाँ होना चाहिए था, बैठे थे वहाँ और उनको न्योता क्या दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई आ जाओ चार धाम यात्रा के लिए। दुबई का कौन सा व्यक्ति चार धाम की यात्रा के लिए आएगा, कुछ समझ में नहीं आया। सड़क हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल है, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, अव्यवस्थाओं का दौर है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखिए, महिलाओं को प्रसव के लिए सड़कों पे चलते हुए चले जाना, वो भी पहाड़ी सड़कों पर, मगर कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थाएं बदहाल हैं और सरकार कहती है हम तो बहुत कुछ करने वाले हैं तो आमदनी अटन्नी और खर्चा रुपया करेंगे क्या। पर्यटन के अलावा आबकारी विभाग के ऊपर आप निर्भर हैं, खनन विभाग के ऊपर निर्भर है, मगर पलायन के ऊपर कोई नीति नहीं बना पा रहे। गैरसैंण के बारे में केवल बातें कर रहे हैं, विधानसभा का सत्र वहाँ नहीं करवा पाए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख लीजिए, लोकायुक्त के बारे में कहते रहे पहले, अब की बार कुछ नहीं कहा अपने दृष्टि पत्र में इन्होंने लोकायुक्त के बारे में। तो गैरसैंण हो, लोकायुक्त हो, इन सब के बारे में इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। बिजली संकट से रोज जूझ रहे हैं, अभी पता नहीं कब फिर से बिजली चली जाए। तो परिसंपत्तियों में किस तरह से हमने दे दिया, सब कुछ दे दिया, किसको, उत्तर प्रदेश को, और अब टिहरी डैम के लिए हाथ फैलाए चले जा रहे हैं आप प्रधानमंत्री के पास। कोर्ट में से मैटर हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ नाटकबाजी करते हैं घोषणावीर मुख्यमंत्री। सैनिक कल्याण विभाग के 4th क्लास एम्प्लॉयज के साथ इतना बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई से मारे मारे फिर रहे हैं हमारे लोग, मगर आप कोई रोड मैप सामने नहीं ला पा रहे हैं। महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर देने की बात करी थी, अभी तक धरातल पे उतरा नहीं है, क्या क्या करेंगी ये सरकार ये बताए पुष्कर सिंह धामी। मगर मालूम है हमें आपके कार्य देखकर कि आप घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि 100 दिन बीत चुके हैं और 1725 दिन भी ऐसे ही गुजरने वाले हैं इस सरकार के।